हेलो दोस्तों, फिर से स्वागत है मेरे चैनल पे। मेरा चैनल का नाम है इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया। मैं लोटोन फिर लेके आया हूँ एक नया वीडियो। जो हमारे पास एक टीवी आया है, उसका टीवी पे टीवी तो चालू हो जाता है, लेकिन उसका वीडियो ए भी पे कोई पिक्चर नहीं है, और ए भी वन ए भी टू पे भी कोई पिक्चर नहीं आ रहा है। ठीक है दोस्तों, चलो चेक करते हैं क्या प्रॉब्लम दिखाते हैं और क्या प्रॉब्लम निकलते हैं। ठीक है, दोस्तों आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे टीवी तो चालू हो गया है, लेकिन यहाँ पे कोई पिक्चर नहीं है। मैं जब रिमोट पे दबाता हूँ, मेनू आता है, मेनू का पिक्चर ओके है, और जो हमारा ए भी आना चाहिए वो ए भी आता है। ए भी वन है, ए भी टू, कोई भी ए भी वन ए भी टू पे कोई पिक्चर नहीं है। लेकिन दोस्तों मैंने यहाँ पे वीडियो कॉल लगाया हुआ है, पिक्चर आना चाहिए था। इसके लिए जो जो प्रॉब्लम आता है वो प्रॉब्लम आप लोगों को दिखाता हूँ, कहाँ कहाँ से प्रॉब्लम आता है। पहले तो दोस्तों हमारा सभी वोल्टेज ओके है। ए 110 का वोल्टेज भी ओके है, ए 28 का वोल्टेज भी ओके है, ए 12 वोल्ट भी ओके है, ए 14 वोल्ट भी ओके है। नहीं तो हमारा टीवी ऑन नहीं ऑन होता। ठीक है, इसका जो 5 वोल्ट है यहाँ ट्यूनर पे, ए ट्यूनर पे भी 5 वोल्ट आता है, इसीलिए टीवी चालू हो गया है। लेकिन दोस्तों यहाँ पे ईप्रम पे 5 वोल्ट जो हमारा आना चाहिए वो भी आया है, और HCL HD पे जो वोल्टेज आना चाहिए वो भी आया है। लेकिन दोस्तों पहले तो हम लोगों को इस प्रॉब्लम के लिए ए भी का वीडियो जो पिन है, ए वाला वीडियो हमारा पिन है, वो पिन हमारा पहले चेक करना पड़ेगा। गाउन से शॉर्टेज तो नहीं है, वो पहले चेक करना पड़ेगा। मैंने ये चेक कर लिया है, वो ये गाउन से शॉर्ट नहीं है। दूसरे बात, हमारा जो हमारा ईप्रम होता है वो ए भी तो दिखाते हैं, लेकिन पिक्चर नहीं आने देता, इसीलिए ए वाला ईप्रम चेक करना पड़ेगा। मैंने ए वाला ईप्रम भी चेक कर लिया है, ये हमारा ईप्रम भी सही तरीके से काम कर रहा है। लेकिन दोस्तों इसका जो ए भी आउट होता है वो ए भी तो दिखा रही है, ए भी आउट है, लेकिन यहाँ पे जो ए भी वीडियो कॉल से होके हमारा मेन आईसी तक जो पी लाइन है वो आके आईसी पे लगता है, वो आईसी जो वीडियो इनपुट होता है वो वीडियो इनपुट ख़राब हो गया है, इसीलिए हमारा ए भी के कोई भी पिक्चर नहीं आ रहा है। चलो देखते हैं कैसा आईसी है, किसका कैसा नंबर है, वो देख के हम लोग ये वाला आईसी रिप्लेस करके नया वाला आईसी लगा के इसको चेक करेंगे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं ये वाला पूरा मेरा पुराना वाला आईसी है, इसको रिप्लेस करके नया वाला आईसी लगाऊंगा। इसका नंबर आप लोग देख सकते हैं 8873 का ये आईसी है। इसके बदले में दोस्तों मैं ये वाला आईसी लगाऊंगा। इसका नंबर है आप लोगों को दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसका नंबर है 8895 का आईसी है। ए आई सी एक ही सेम ही है। इसका जो पिन है वो भी इसका पिन से मैचिंग करता है और पूरी तरह से काम भी करता है। ए आई सी लगा के आप लोगों को दिखाता हूँ ए आई सी कैसे बैंड हो गया है। ठीक है दोस्तों, चलो आई सी लगा के पिक्चर देख लेते हैं। दोस्तों मैंने ये वाला आईसी निकाल के ये वाला आईसी लगा लिया हूँ, और इसका पिक्चर चेक करेंगे। दोस्तों आप लोग देख सकते हैं हमारा टीवी पे पिक्चर आ गया है, मतलब मेरा टीवी सही तरह का जो आईसी लगाया था वो सही तरह से काम कर रहा है। और जो दोस्तों हमारा जो पिन फिकाई आईसी पे जो ए भी टीवी चेंज करता है वो चेंज करके दिखाता हूँ। ये हमारा ए भी टू है, ये हमारा चैनल पे चला गया है RF पे, और ये AB1। दोस्तों ठीक, मेरा जो IC आज का प्रॉब्लम था, ये मेरा IC का प्रॉब्लम था, AB आउट का प्रॉब्लम। दोस्तों पहले तो हम लोगों को AB चेक करना पड़ेगा। जो AB पिन पे कोई प्रॉब्लम नहीं होता तो पहले, दूसरा तो हमारा ईप्रम जो IC होता है वो IC पहले चेक करना पड़ेगा, उसके बाद मैं मेन आईसी पे चला जाऊंगा। ठीक है दोस्तों, इसी तरह से नया नया वीडियो
मिलने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलेगा। तब तक के लिए दोस्तों, गुड बाय।